कार बच्चों आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है आज कार्यपत्र अट्ठाईस में हम देख देखने ये चित्र हमने पहले भी देखा था वर्कशीट नंबर छब्बीस में और आज हम इसको देखते हुए मंडल कला में गणित को देखते हुए आंकड़ों का प्रबंधन विषय से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे तो ये चित्र आपको देखना है और इसको देख के हमें इस तालिका को पूर्ण करना है इस तालिका में आकृतियों के नाम लिखने हैं फिर कला में आकृतियों की संख्या कितनी है वो गिनना है फिर संख्या का मिलान चिन्ह बनाना है जैसे त्रिभुज यहाँ पे बारह हैं तो बारह ही मिलान चिन्ह बनाए गए हैं जैसे पाँच पाँच दस और बारह ये आप सभी को याद है ना कि इस प्रकार से बनाए जाते हैं चार और पाँचवें से बंद किया जाता है तो इसी तरीके से आपको ये बनाने हैं तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें अलग प्रकार की आकृति वर्ग संलभ और समानता चतुर्भुज नज़र आ रही है हम सभी इसको गिनते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास कितनी आ रही हैं तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मैं ये वर्ग से गिनना शुरू करती हूँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो लाल रंग के जो ये वर्ग बने हुए हैं ये मुझे बारह दिखाई दिए तो मैं यहाँ पे बारह लिख देती हूँ अब आगे मैं पढ़ती हूँ समलंब को तो बाहर जैसी आकृति बनी है ना ये समलंब की होती है जहाँ पर ये दोनों समानांतर रखाए हैं एक दूसरे के ये समानांतर होती है और ये ये समानांतर नहीं है ये आके जाके प्रतिच्छेद करेंगे तो ये समानांतर है ये समानांतर नहीं है तो इस प्रकार का चित्र हमें कहाँ नजर आ रहा है ये वाला नज़र आ रहा है तो इसकी गिनती करते हैं एक दो तीन चार पाँच छः, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये समलम्ब भी हमें बारह ही नजर आए अब हम समानांतर चतुर्भुज को गिनेंगे जो कि नीले रंग के बाहर बने हुए हैं ये समानांतर चतुर्भुज है समानांतर चतुर्भुज क्या होते हैं वर्ग आयत सब हमारे समानांतर चतुर्भुज है उसके अंदर ये वाली रेखा ये दोनों सम्मुख रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं और ये दोनों समानांतर होती हैं तो वर्ग आयत और समचतुर्भुज ये सभी समानांतर होते हैं तो यहाँ पर हम गिनते हैं इसको ये कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो ये भी बारह मिले ये कैसी आकृति है इसमें सब कुछ बारह मिल रहा है हमें अच्छा अब यहाँ पर इसकी गिनती नहीं हुई है ये जो पीले रंग से या ब्राउन कलर से जो बने हुए हैं काजू की बर्फ़ी की आकृति में जिसको हम बोल सकते हैं सम ये थोड़ा पतंग जैसा लगता है पर पतंग में तो ये छोटा और ये बड़ा होता है यहाँ पर ये बराबर है यानी ये इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है ये ये आकृति कितनी है इसको गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये भी बारह है परंतु ये अंदर भी है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अंदर बारह बाहर बारह इस तरह से मिला के ये हमारी हो गई है चौबीस तो हम ये लिख सकते हैं कि हाँ हमारे पास एक आकृति और है जिसको हम बोलेंगे सम चतुर्भुज तो एक सम चतुर्भुज आकृति है सम चतुर्भुज जो कि बारह जमा बारह चौबीस है हाँ बारह जमा बारह क्योंकि दो अलग अलग जगह बनी हुई है समचतुर्भुज आकृति तो इस प्रकार से आपकी ये सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं अब हम देखते हैं कि क्या अब हमें इसको कैसे करना है तो हम मिलान चिन्ह बनाएंगे सभी मिलान चिन्ह एक प्रकार के बन जाएंगे ठीक है तो यहाँ मिलान चिन्ह में मैं सिर्फ इनके ही बना के दिखा रही हूँ आपको ये आपके इसी जैसे बनेंगे सेम चार पाँच चार पाँच दस हो गए दो बारह एक दो तीन चार पाँचवीं से बंद किया एक दो तीन चार पाँचवी से बंद किया बारह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो सब बारह बन गए इसको बनाओगे चौबीस को तो ये कैसे बनेंगे एक दो तीन चार एक दो तीन चार दो बंडल हुए तीन बंडल्स हुए चार बंडल्स हुए बीस हो गया अब ये चौबीस है ना ये पाँच दस पंद्रह बीस चौबीस इस प्रकार से बन गए अब प्रश्न है आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखो अब आप इसको आरोही क्रम में क्या लिखोगे आरोही क्रम होते हैं बढ़ते क्रम में तो सब एक ही जैसे नज़र आ रहे हैं ज़्यादा तो तुम बारह चौबीस लिख सकते हो दो ही नंबर आ सकते हैं बस ठीक है उसके बाद पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक बार आने वाली संख्या लिखो कौन सी संख्या है जो सबसे अधिक बार आ रही है बारह बारह बहुत बार आ रही है अगला प्रश्न है उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे अधिक है वह आकृति कौन सी है जिसकी संख्या सबसे अधिक है वो है सम चतुर्भुज तो उत्तर आ जाएगा सम चतुर्भुज आप इसको पूरा लिख लेना सम चतुर्भुज ठीक है मैं आधा करके लिखनी हूँ चतुर्भुज ऐसे लिखना है उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे कम है अब ऐसा तो कोई नहीं है सब बराबर है तो इस प्रश्न का भी कोई जवाब नहीं हो सकता सबसे कम है उसके बाद है सारणी में दिए गए आंकड़ों का परिसर ज्ञात करो परिसर निकालने के लिए अब तुम छोटे में से बड़ा माइनस करते हो बड़े में से छोटा घटाया जाता है तो सबसे बड़ा आंकड़ा चौबीस है उसमें से बारह घटा के चौबीस आ जाएगा तो ऐसा लग रहा है ये इस प्रश्न के जो मायने हैं वो इस चित्र में तो लगभग सभी आकृति बारह ही हैं ये भी बारह जमा बारह थी एक प्रकार से अलग अलग जगह यहाँ पर ये बाहर बारह थी और ये बारह थी तो ये इस चित्र में ये प्रश्न इतनी अधिक जच नहीं रहे अगर तुम ये वाले प्रश्न लेते ये चित्र लेते मतलब जैसे कार्यपत्रक सत्ताईस में इस प्रकार का चित्र था आपका पिछली वर्कशीट में और वहाँ पे ये चार अलग आकृतियाँ अलग तरीके से नज़र आ रही थी सो नौ थी सोलह थी चार थी पाँच थी अगर आप इसको लेके इस प्रश्नों को करें ठीक है ये मैंने उसके हिसाब से कर दिए इस चित्र के हिसाब से जो इस वर्कशीट में अगर मैं इसको कम्प्लीट करूँ उसके हिसाब से तो मैं इसे मिटा देती हूँ और उसको देख के इसको कम्प्लीट करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होगा ठीक है तो अब यहाँ पर आकृतियाँ सारी बदल जाएंगी वर्ग समलंब ये नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे आकृति का इसका नाम लिख दोगे जो इस तरीके से बनी जा रही है ना बच्चों ये जो आकृति है तो हम इसको बोलेंगे पहली वाली आकृति को बोलेंगे हम तो बच्चों ये हमने यहाँ पर लिख के रखे हैं हमारी अर्धवृत्त है समचतुर्भुज है वृत्त है और ऊपर त्रिभुज हो गया तुम्हारा तो ये त्रिभुज है ये अर्धवृत्त है ये समचतुर्भुज है और ये वृत्त है तो नौ सोलह चार पाँच है इसको हमने यहाँ लिख दिया त्रिभुज हमारा चार है अब ये बारह नहीं माना जाएगा नौ सोलह पाँच ठीक है अब इनके मिलान चिन्ह कैसे बनेंगे नौ के बनेंगे एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार सोलह के एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच पंद्रह पाँच एक दो तीन चार पाँच पंद्रह और एक सोलह एक दो तीन चार पाँच तो इस प्रकार से हमारे सारे मिलान चिन्ह बन गए ठीक है अब हम इन प्रश्नों को करते हैं आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है तो अब बढ़ते क्रम में लिखोगे अब देखो बन पा रहा है पहले चार लिखा फिर पाँच लिखा फिर नौ लिखा फिर सोलह लिखा सब बढ़ते क्रम में हो गए सबसे अधिक बार आने वाली संख्या सबसे अधिक बार वाली कौन सी संख्या है? कोई भी नहीं है जो सबसे अधिक बार आ रही है छोड़ दो हाँ कोई भी संख्या ऐसी है सब एक एक बार आ रही है उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे अधिक है वो आकृति कौन सी है समचतुर्भुज जो सबसे अधिक है है ना यही तुम्हारी आकृति है जो सबसे अधिक है सम चतुर्भुज ओके उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे कम है वो आकृति कौन सी है जिसकी सबसे कम संख्या है तो वो तुम्हारी है त्रिभुज हम बोल देंगे कि वही वो त्रिभुज है क्योंकि वो चार है त्रिभुज ये वाली आकृति उसके बाद है सारणी में दिए गए आंकड़ों का परिसर निकालो परिसर होगा सोलह माइनस चार सोलह माइनस चार बारह तो ये मैंने दोनों तुम्हारे तरीके से करके दिखा दिया दो दो आकृतियों से हमने इस प्रश्न को कर लिया है ठीक है अब हम ये आज के क्वेश्चन लेते हैं और आगे अभ्यास करना है पढ़ाई में व्यतीत किए गए समय का औसत किस प्रकार निकालोगे ऑनलाइन क्लासेस का औसत है इसमें आपको माध्यम आद्या और बहुलक नाना है तो आपके सात दिन के टीचर्स ने कैसे क्लास ली है तो ये नाइन डेज़ का लिखा हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन बार आपकी क्लास हुई है दो दो घंटा तीन घंटा पाँच घंटा ये ऐसे आपका निकाला गया पूरे सप्ताह में तो अब आप इसको पहले निकालेंगे फिर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे तो माध्य कैसे निकालते हैं बच्चों जो भी आंकड़े दिए इन सबको जोड़ दिया जाता है सभी आंकड़ों का योग करते हैं डिवाइडेड बाय कुल आंकड़े कुल आंकड़े कितने एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो इन सबको जोड़ के बटा नौ पैंतालीस बट्टा नौ इसको भाग करोगे पाँच आया तो पाँच इसके अंदर नज़र आ रहा है कहीं पर पाँच दिखाई दे रहा है तो माध्य इसी में से एक संख्या है फिर माध्यक देखो माध्यक में इन सबको हम एक आरोही क्रम में लगा देते हैं या अवरोही आरोही किसी में भी लगा सकते हैं तो जैसे मैंने आरोही बढ़ते क्रम में लगाए दो दो तीन तीन पाँच छः सात आठ नौ तो ये संख्या सबसे बीच में आ रही है चार संख्या इधर हो गई चार संख्या इधर हो गई तो पाँच इसका माध्यक हो गया तो पाँच इसमें दिखाई दे रहा आंकड़ों में बहुलक निकालो बहुलक इसमें वो संख्या है जो बार बार आती है तो दो बार ये आई है दो और दो बार आई है तीन तो उसके दो बहुलक हो गए तो किसी आंकड़े के दो बहुलक बन गए ये दो बार दो बार बराबर है तो दो और तीन दोनों बहुलक हो गए ठीक है अब आपको जवाब देना है क्या माध्य दिए गए आंकड़े में से संख्याएँ हाँ पाँच पाँच निकला था ना पाँच इसके अंदर है ये हमारा माध्य निकला था अच्छा उसके बाद क्या माध्य प्रेक्षण से छोटा है नहीं छोटा नहीं है क्या ये प्रेक्षण में बड़ा है क्या सबसे बड़ा है नहीं बीच का होता है जो माध्य होता है वो हमेशा एवरेज होता है बीच का होता है क्या आंकड़ों के एक समूह में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं हाँ इसके दो बहुलक मिले दो और तीन क्या माध्यक दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या है हाँ माध्य दिए गए आंकड़े में से एक संख्या है ये इंग्लिश मीडियम में जो वर्कशीट थी बच्चों उसमें ये पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है क्या माध्य सदैव आंकड़ों में से एक संख्या होती है तो सदैव उसमें एक वर्ड यूज कर दिया था कि हमेशा ऐसा ही होता है तब उसका उत्तर आएगा नहीं कि सदैव नहीं होता इसमें तो है कि भी ठीक है उसी में से उत्तर आ रहा है पाँच लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा माध्य उसी में से हो माध्य तुम्हारा कई बार दशमलव में भी आ जाता है सब संख्याओं को जोड़ा डिवाइडेड बाय तुम को लाकड़े करते हो तो ये दशमलव संख्या भी हो जाती है जो इसकी इसमें कहीं भी नहीं होती तो ये सदैव उसी में से होगा ये ज़रूरी नहीं है इंग्लिश मीडियम में सदैव करके लिखा हुआ है ऑलवेज तो वहाँ पर हमने नो आंसर कराया लेकिन हिंदी मीडियम में जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से इसका उत्तर होगा हाँ ठीक है इसके साथ ही वर्कशीट कंप्लीट होती है आपके लिए कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार के लिए निर्देश है कि सदैव अपना ध्यान रखें मास्क पहने कोविड विरुद्ध के विरुद्ध लड़ाई में और बच्चों ये आपकी इस हफ्ते की आखिरी वर्कशीट है हो सकता है नए वर, साल में हमारी मुलाकात हो और आ, सर्दियों की छुट्टियों में तुम्हें कोई वर्कशीट ना मिले ये संभव है तो आप घर पे आपको जो कुछ काम दिया जाएगा आपकी टीचर्स दे रहे हैं उसके अलावा मैं ये चाहती हूँ जितने बच्चे मेरे वीडियोस वॉच कर रहे हैं कि चैप्टर वन टू फोर ट्वेल्व थर्टीन से इनसे दो दो क्वेश्चन रोज़ कोई अपनी चॉइस के दो क्वेश्चन कर लेना बच्चों कोई भी दो क्वेश्चन पहले आसान आसान चूज़ करना फिर अगले दिन थोड़ा आसान उससे थोड़ा मुश्किल अगर तुम लग रहा है उसको कर पा रहे हो दो पुरनाक के सवाल ले लेना कोई भी दो भिन्न दशावल के कोई भी इस चैप्टर से कोई दो सवाल सरल समीकरण से कोई आसान आसान वाले सवाल फिर अगली बार थोड़ा सा उससे मुश्किल थोड़ा सा उससे मुश्किल ऐसे करके तुम्हें जितने दिन मिलेंगे तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के ये जो चैप्टर्स हैं ये सारे आगे आने वाली क्लासेस में एटथ नाइन्थ टेंथ में तुम्हें बहुत हेल्पफुल रहेंगे तो इनकी प्रैक्टिस में चाहती हूँ आप करते रहो इसमें गैप नहीं करना और ये जो है ये जोमेट्री के चैप्टर्स हैं इसमें बेसिकली रूल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए तो उसमें से कोई दो तीन क्वेश्चन चूज कर लेना टू या थ्री क्वेश्चन कोई भी अपनी चॉइस से और उसको अपनी हॉलीडे होमवर्क कॉपी में मेनटेन करूँ ठीक है और आप सभी अपनी सेहत का ध्यान रखो प्रतिदिन गणित के कुछ ना कुछ सवाल करते रहो ताकि गैप न आए और सबको आने वाले नव वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं आप सभी स्वस्थ रहें प्रसन्न रहें हम फिर मिलेंगे नव वर्ष में तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं नमस्कार